शहडोल के ब्योरी वार्ड नंबर 9 भटवा टोला में पिछले 6 महीने से नगर परिषद के द्वारा बनाई जा रही नाली का काम पूरा नहीं हुआ है, जिसे नाली में गंदे पानी के जमा होने के कारण स्थानीय वार्डवासियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं अधूरी नाली के कारण आए दिन दुर्घटना होती रहती है, नाली में बच्चे गिर जाते हैं। इसके अलावा गंदा पानी ट्यूबवेल नल में भी मिल रहा है, जिसके कारण लोग गंदा पानी पीने को मजबूर है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस वार्ड नंबर 9 के ही ब्योरी विधायक शरद कोल निवासी हैं। जब उनके वार्ड का यह हाल है तो दूसरे जगह का क्या हाल होगा, सोचिए। नगर परिषद ब्योरी के वार्ड नंबर 9 भटवा टोला में नाली बनाने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। एक ओर जहां मिश्रा परिवार ने अपने पट्टे की जमीन मोहल्ले की रोड बनाने के लिए दी है, तो वहीं मोहल्ले के कुछ लोग नाली बनवाने में रुकावट पैदा कर रहे हैं। वहीं मिश्रा परिवार की जमीन पर बनी बाउंड्री भी कुछ लोग तुड़वाने में लगे हुए हैं। पिछले 6 महीने में नाली की समस्या के समाधान हेतु SDM विधायक CMO प्रयास कर चुके हैं, लेकिन आज तक मोहल्ले के कुछ तानाशाहों के सामने शासन प्रशासन बोना साबित होकर शांत हो गया है। वहीं दूसरी ओर नाली की गंदगी से लोग परेशान हैं। ये जब यहाँ रोड नहीं बनी थी तो हमारे बड़े पिताजी द्वारा ये जमीन रोड अपनी पट्टे की ज़मीन में लोगों को चलने की सुविधाओं के लिए और रोड के लिए ज़मीन दी गई है, और जब से नाली बन रही है तो हम दूषित पानी पी रहे हैं, ना इसका कोई सुनता है। आज फरवरी से ऐसे गड्ढे करके रखे हुए हैं और ये नाली ऐसे रुकी हुई है, और बहुत सारी समस्याएं हैं। किन समस्याओं से आप और आपकी कॉलोनी वासी परेशान रहते हैं? पीछे से आगे से गंदगी का पानी आ रहा है और यहीं पे घर के सामने आता है, आने जाने में तकलीफ़ें हो रही हैं, लोग गिरते भी हैं, एक्सीडेंट भी हो जाता है, और बच्चों को आने जाने में भी बड़ी समस्याएं हैं, दूषित पानी आ रहा है, इसी प्रकार की अनेक समस्याएं हैं यहाँ पे। हमारे द्वारा सभी को बता दिया गया है, CMO साहब से 10 बार बोल चुके हैं, CMO साहब खुद आ चुके हैं, SDM मैडम भी आ चुकी। क्या बोला गया उनके द्वारा? उनके द्वारा बोला कि आपका मैटर है, आप अपने से सुलझा लो। कि विधायक जी के पास गए, उन्होंने बोला कि बनवा देंगे अभी तक, लेकिन आज तक नहीं बनी। हम चाहते हैं जल्द से जल्द इसका निर्माण हो जाए, जिससे हमें असुविधा ना हो, सुविधा बनी रहे, हमारी आने जाने में कोई तकलीफ ना हो। जिस वार्ड नंबर 9 की नाली के बारे में आप बात कर रहे हैं, वह स्वयं मौका मैंने देखा है। वहाँ पर आप लोगों में आपसी सामंजस्य नहीं है। जो रोड बनी है वो रोड जो है प्राइवेट व्यक्ति की ज़मीन पे बनी है, लोगों में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा। हमने बात भी करी है वार्ड प्रभारी और विधायक जी वगैरह, हम लोग सब साथ में बैठे हैं, उनको समझाइश दी है, जैसे ही कोऑर्डिनेशन बन जाएगा हम नाली का काम शुरू कर देंगे। अब देखना यह है कि शासन प्रशासन सख्त रूप अपनाकर इन तानाशाह लोगों पर कार्रवाई कर मोहल्लेवासियों को इस गंदी नाली की समस्या से कब तक निजात दिला पाता है, कि बस कुछ लोगों के हाथों का खिलौना बनकर रह जाता है। जब विधायक के वार्ड का यह हाल है तो अन्य वार्ड की दुर्दशा क्या होगी, ये सोचने वाली बात है। इसी विषय पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं ब्योरी विधायक शरद कोल जी। शरद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शरद जी, हमारे पास जो विजुअल आए हैं उसमें आपके वार्ड, मतलब आप जिस वार्ड में रहते हैं वार्ड नंबर 9 में, वहां के विजुअल्स आए हैं और उसमें हम देख रहे हैं कि जो अधूरी नालियों का निर्माण है उसके कारण गंदगी फैली हुई है, क्या कहेंगे? मैं उसमें ये कहना चाहता हूँ कि कार्य योजना हमारी तैयार थी, कुछ कारणों वश जो है वो अभी उसमें काम सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पाया है, ठेकेदार की थोड़ी सी लापरवाही के चलते। बाकी हमारा वो काम जो है, बरसात का सीजन है, अभी निरंतर 2-3 दिन कंटिन्यू बारिश हुई, इसके कारण ज्यादा गंदा दिख रहा है, उसको शॉर्ट आउट करा रहे हैं। लगभग 6 महीने से काम अधूरा पड़ा हुआ है विधायक जी? नहीं नहीं, गलत जानकारी मिली है आपको। 2 महीने से विगत जो है वो ठेकेदार के कुछ परिवार में समस्या हो गई थी, उसके कारण उसने रोक रखा है। आपको शायद गलत जानकारी दी है, वो मेरे संज्ञान में है। अच्छा, इस मामले में जमीन अधिग्रहण का भी कुछ मामला फंस रहा है पेंच? जमीन अधिग्रहण जी, नाली को लेकर जमीन किसी के, मतलब नाली बनाने के लिए रास्ता नहीं दे रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, वो शॉर्ट आउट हो गया था वो मामला। अभी कोई आपको गलत कंफ्यूजन है उसमें जो है, जो न्यूज दे रहा है
वो गलत जानकारी दे पा रहा है आपको। अगर इससे ज्यादा जानकारी आपको चाहिए तो मैं ऑन पेपर उसको जो है जानकारी दे सकता हूँ आप जी। कब तक नालियों का निर्माण हो जाएगा? ये तो विगत है, जैसे ही हमारा थोड़ा बरसात कंप्लीट हो जाता है तब तक आपको पूरा खत्म क्लियर मिलेगा। हम उम्मीद करते हैं विधायक महोदय कि विधानसभा के साथ अपने वार्ड में भी आप गंदगी हटाने में कामयाब हों। जी जी धन्यवाद, आपने हमसे बात की। तो ये थे बिहोरी विधायक शरद कौल जी, जो कि बता रहे थे कि समय रहते वो इस नाली का निर्माण करवा लेंगे। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।